हेलो दोस्तों, आप सभी का सुफशम कलेक्शन में स्वागत है। क्या आप खरहा के बारे में जानते हैं? खरहा लेपस वंश और शशक प्रजाति के स्तनधारी जीव है। खरहों की चार विशेष प्रजातियों को लेपस वंश से बाहर वर्गीकृत किया जाता है। खरहे बहुत तेज दौड़ाक होते हैं। यूरोपीय भूरा खरहा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये आमतौर पर एकाकी जीव होते हैं या फिर जोड़ों में रहते हैं, पर कुछ प्रजातियां झुंडों में भी रहती है। बहुत तेज भागते समय या फिर परभक्षियों को चमका देते समय उत्पन्न होने वाले गुरुत्व बल को इनका शरीर शोषित करने में सक्षम होता है। खरहा के कान लंबे होते हैं। खरहा को हिंदी में खरगोश, संस्कृत में शशक, अंग्रेजी में पुश या रैबिट या हारे आदि के नाम से बुलाया जाता है। एक वर्ष से कम उम्र के खरगोश को लिवरेट कहा जाता है। खरगोशों के समूह को हस्क, डाउन या ड्रोव कहा जाता है। आकार में खरगोश से बड़ा होता है। कान भी खरगोश की तुलना में बड़े होते हैं। जमीन के ऊपर उथले गड्ढों में घास और तिनकों का घोंसला बनाकर रहते हैं। जन्म के समय शिशुओं के शरीर रोएदार होते हैं। आंखें भी खुली होती हैं। जरूरत पड़ने पर भागने में भी सक्षम होते हैं। खरगोश की तुलना में अधिक तेज दौड़ते हैं। खरहा कम से कम दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। लंबी दूरी पर यूरोपीय खरहा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। मध्य और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली जैकब बिट्स की 5 प्रजातियां लंबी दूरी तक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है और एक समय में 3 मीटर तक छलांग लगा सकती है। यह प्रजनन के लिए वर्चस्व हासिल करने के लिए पुरुषों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रतीत होती है। खरहा ने स्थानीय स्थानों के नामों को जन्म दिया है। आमतौर पर खरहा एक शर्मीला जीव है, पर समागम के मौसम में इनका व्यवहार बदल जाता है और या एक दूसरे के पीछे भागते देखे जा सकते हैं या एक दूसरे को ऐसे मारते हैं जैसे मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहे हो। कुछ समय पहले तक तो यह माना जाता था कि प्रतिद्वंद्वी नर एक दूसरे को मारते हैं, पर अब यह स्पष्ट हो गया है कि संभोग के लिए अनिच्छुक मादा नर को मारती है। इंग्लैंड में अब शायद ही कभी परोसा जाने वाला व्यंजन पॉटेड खरहा है। खरहा का मांस पकाया जाता है, फिर कम से कम 1 इंच मक्खन में ढका जाता है। मक्खन एक परिरक्षक है। ठंडा परोसा जाता है। हौसले से मारे गए खरहा का खून खाना पकाने की प्रक्रिया में स्टू या पुलाव में खपत के लिए एकत्र किया जा सकता है। सबसे पहले अतड़ियों को उसके पिछले पैरों से लॉडर में लटकाए जाने से पहले खरहा के शव से काल दिया जाता है, जिससे रक्त छाती गुहा में जमा हो जाता है। रक्त को खरहा से निकालने के बाद इसे संरक्षित करने का एक तरीका है, क्योंकि खरहा को आमतौर पर 1 सप्ताह या उससे अधिक समय के लिए लटका दिया जाता है। जमावट को रोकने के लिए इसे रेड सिरका के साथ मिलाया जाता है और फिर इसे फ्रीजर में रखा जाता है। खरहे जंगली जीव है और इन्हें आज तक पालतू नहीं बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। इस तरह की और भी जानकारी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।